नमस्कार, मैं हूं देवांशु। आप देख रहे हैं न्यूज़ फॉर नेशन। इस वक्त हम राबड़ी हाउस के बाहर मौजूद हैं, जहां पर तेजस्वी यादव अंदर कई नेता और कार्यकर्ताओं के साथ मुलाकात कर रहे हैं। दरअसल आपको बता दें कि राबड़ी हाउस के अंदर तेजस्वी यादव के साथ विधायक विजय प्रकाश, शिवचंदर राम और अबू दुजाना समेत कई नेता और कार्यकर्ता हैं, और तकरीबन 2 घंटे से ज़्यादा का वक्त बीत चुका है और ये मुलाकात चल रही है। जो हमारे सोर्सेज जानकारी दे रहे हैं कि बाज़ाब्ता कई नेताओं को बिहार के अन्य जिलों से बुलाया गया है और वही लोग अंदर जा पा रहे हैं। ऐसे तो बिहार के कई जिलों से कार्यकर्ता आए हैं लेकिन अंदर वो दाखिल नहीं हो पा रहे हैं, लेकिन जिन कार्यकर्ताओं को बुलाया गया है तेजस्वी यादव की तरफ से, वो कार्यकर्ता बाज़ाब्ता रजिस्टर में नाम है और वही लोग अंदर जा पा रहे हैं। जो जानकारी मिल रही है कि एक महत्वपूर्ण मीटिंग तेजस्वी यादव अंदर कर रहे हैं कई विधायकों के साथ, तो तेजस्वी राबड़ी आवास के बाहर कई कार्यकर्ताओं का जमावड़ा भी लगा है जो अन्य जिले से आए हैं। आप बीते 3 घंटे से इंतज़ार कर रहे हैं, कुछ लोग अंदर जा रहे हैं लेकिन आप लोगों को अंदर नहीं बुलाया गया है। जी, जो लोग लिस्ट पहले दे चुके हैं, अंदर भेज चुके हैं सर, उन लोगों को बुलाया जा रहा है। हम लोग भी लिस्ट दिए हैं, इंतज़ार में हैं, जो कि बहुत जल्द बुलाया जाएगा, उम्मीद है। किस तरीके से लिस्ट दे रहे हैं आप लोग? ऐसे मांगा गया कि जो लोग आए हैं अपना लिस्ट दीजिए, तो जो कैंडिडेट वगैरह बन के आए हैं वो अपना लिस्ट दे रहे हैं, नाम पता लिख के देते हैं, मोबाइल नंबर, और बाद में जो उधर से सूचना आती है तो लोग अंदर जाते हैं, मिलते हैं। कहाँ, क्या नाम हुआ, कहाँ से? मेरा नाम राजेंद्र यादव है, मैं गोपालपुर विधानसभा 153 भागलपुर जिला में, वहाँ से राजद के प्रत्याशी होने की उम्मीद में आया हूँ। आपको बता दें कि कई जो कार्यकर्ता जो राबड़ी हाउस के अंदर गए हैं वो बाज़ाब्ता अपने हाथों में बायोडाटा लेकर गए हैं। कई कार्यकर्ताओं को बाज़ाब्ता लिस्ट में उनका नाम था, वो राबड़ी हाउस के गेट पर आते हैं, अपना नाम बताते हैं और लिस्ट में उनका नाम रहता है तो वो अंदर दाखिल होते हैं। तकरीबन 2 घंटे से अंदर ही वो राबड़ी हाउस के अंदर है। जो महत्वपूर्ण जानकारी हमारे पास हमारे सोर्सेज से निकल के आ रही है कि जिन लोगों को चुनाव लड़ना है, जिन लोगों को RJD की तरफ से टिकट कन्फर्म कर दिया गया है, उनकी एंट्री यानी कहें कि तेजस्वी यादव खुद उनसे मुलाकात कर रहे हैं, मंथन हो रहा है और कई विधायक जो हैं RJD के वो अंदर मौजूद हैं। कुछ और कार्यकर्ताओं से बात कर लेते हैं। लंबा वक्त से आप इंतज़ार कर रहे हैं, शाम से ही मुलाकात नहीं हो पाई, कहाँ से आए हैं और क्या नाम है? वैशाली जिला के पातेपुर विधानसभा से आते हैं। हाँ। विधानसभा क्षेत्र 130 रिजर्व है, रामबाबू चौधरी मेरा नाम हुआ। हम लोग मुलाकात करने आए थे यहाँ तेजस्वी भैया से, पर्ची डाल दिए हैं अंदर, अभी तक अंदर से समाज नहीं आया है आने के लिए, हम लोग इंतज़ार कर रहे हैं। लेकिन कई लोग जो है उनका बाज़ाब्ता एक लिस्ट बनाया गया है, लिस्ट में उनका नाम है, वही लोग अंदर जा पा रहे हैं। वो लोग बहुत सवेरे आ गए होंगे, लिस्ट दे दिए होंगे, हम लोग लिस्ट लेट से गया होगा इसलिए हम लोग अभी नाम नहीं आया है। चलिए, कई कार्यकर्ता जो हैं उन तेजस्वी यादव के विधानसभा क्षेत्र से यानी कि राघोपुर से भी आए हुए हैं। हम ऐसे ही कार्यकर्ता से बात करते हैं। राघोपुर से आप आए हुए हैं, क्या क्या काम है यहाँ पर? राघोपुर से लगभग 1:30 बजे ठनका, जो ठनका ना तो उसमें 2 आदमी का मृत्यु हो गया है ना, है ना, ऐसे हमारे बॉस के मालूम है तेजस्वी बाबू के, है ना, वही प्रोग्राम करना है कि कल कितना बजे पहुँचेंगे और दाह संस्कार होगा, है ना। मतलब तेजस्वी यादव को राघोपुर जाना है कल, मैंने प्रोग्राम बनाने के फेरा में हम लोग आए हैं, बात विचार होगा उसके बाद ऐसा होगा, सब किया जाएगा। कुल मिलाकर कहें तो सियासी गतिविधियां राबड़ी हाउस में तेज हो चुकी है। हालांकि रघुवंश प्रसाद के निधन के बाद RJD 7 दिवसीय शोक मना रही है, राजनीतिक गतिविधियां औपचारिक तौर पर बंद है, लेकिन तेजस्वी यादव लगातार अपने पार्टी के नेता और कार्यकर्ताओं से मिल रहे हैं और बाज़ाब्ता लिस्ट भी है राबड़ी हाउस के गेट पर सिक्योरिटी गार्ड्स के पास, और जिन लोगों का लिस्ट में नाम है उन्हें ही अंदर दाखिला मिल रहा है। फिलहाल अभी तक के लिए इतना ही, आप देखते रहिए न्यूज़ फॉर नेशन।